हमारे पास एक Realme C2 है, इसका आज हमने पैनल चेंज करना है। ये देखिए नीचे से डैमेज हुआ हुआ है, इसको हम ऑन कर रहे हैं, खाली वाइब्रेट कर रहा है ये, मतलब कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसका ये पैनल है, आज हम इसका पैनल चेंज करेंगे। Realme C2 है ये, इसका आज हम पैनल चेंज करेंगे। रिव्यूज ऑन हो गया, अभी हम इसको चेक करेंगे सारा, अगर पैनल ओके है तो इसकी इसके बाद हम प्रॉपर फिटिंग करेंगे। अच्छा ये चेक करें, ये अब ऑन हो गया, हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे, इसके बाद हम इसकी भी पैनल की फिटिंग कर देंगे। ये देखेंगे सही चल रही है। सप्लाई पे रखेंगे हीट वाली, दो डेढ़ से दो मिनट सप्लाई पे रखना होता है, जिस वजह से ये हीट से इसकी गम नरम हो जाती है और बैटरी और इसका फ्रंट पैनल इजी उतर जाएगा इसका। इसको दो मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, अब इसको हम पैनल उतारेंगे और इसकी बैटरी उतारेंगे। सबसे पहले तो इस स्ट्रिप भी इस तरह बैंड हमने लाजमी करना है। फिर इसकी हमने बैटरी लगानी है। अच्छा व्यूज, मैंने आपको पहले बताया था जब हम इसकी पैनल की फिटिंग करेंगे ना, ये पैनल आपने फ्रंट उठाना है, फिर पहले बैक कवर बिठाना है, उसके बाद हमने फिर इसका मतलब फ्रंट बिठाना है। ये बैक कवर कंप्लीट फिटिंग करके सिम जैकेट डाल के रिव्यूज चेक कर रहे हैं, पैनल बिल्कुल ओके चल रहा है। अब हम इसको गम लगाएंगे, रिव्यूज कैमरे का और सेंसर का लाजमी ख्याल रखना है। कैमरे पे गम नहीं लगनी चाहिए और सेंसर पे, इन दोनों चीज़ों पे गम का बहुत एहतियात करनी है। लगाएं बिल्कुल माइनर सी, मतलब इस पर ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि अगर सेंसर पे गम लगेगी तो आपका सेंसर वर्क नहीं करेगा, अगर अल्लाह ना करे कैमरे पे लग जाएगी तो फिर आपका कैमरा ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कम्प्लीट गम लगा दी इसको, अब इसको नीचे से हमने बिठाना है पहले प्रॉपर। और इसके बाद अब हम इसको टेपिंग करेंगे, प्रॉपर पैनल की फिटिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसकी टेपें रिमूव कर देंगे और मतलब उसके बाद ही आपका मतलब प्रॉपर फिटिंग इसकी हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।